नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। हमारी ये मेगा सीरीज बिल्कुल जारी है और पूरा सप्ताह ये जारी रहने वाली है। हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आपका अपना स्वयं का व्यापार है, तो ये मेगा कवरेज जो हम कर रहे हैं सूर्य ग्रहण पर, इस महा सीरीज से आप बिल्कुल जुड़े और अपने से संबंधित या फिर अपने किसी मित्र से संबंधित कोई नौकरी या व्यापार को लेकर समस्या है तो इस सूर्य ग्रहण पर आप एक ऐसा महा उपाय करें जिसको करने के बाद आपको सफलता मिल जाए। तो आपकी नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, आपका व्यवसाय स्वयं का हो या फिर सरकारी विभाग से किसी भी तरीके का संबंधित आपका व्यापार हो, तो ये हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटा सा उपाय इस सूर्य ग्रहण पर आपको करना है ताकि ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। पहले जानते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप सोने से पहले आप जरूर करें। ऐसा करने से नींद ना आने की समस्या खत्म होती जाएगी। आप इसको अपनाइए, हर तरीके से आपको लाभ होगा। पढ़ते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ। 25 अप्रैल 2022 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र धनिष्ठा रहने वाला है। चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा वो भी आपको बता देते हैं, सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे तक ये समय होने वाला है। दिशाशूल क्या होगा? पूर्व दिशा, यानी आज आपको पूर्व दिशा की तरफ जाने की मनाही है। यदि आप इस तरफ गए तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना बन जाती है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं इस सूर्य ग्रहण का, जो हमारी ये सीरीज लगातार जारी है और सप्ताह भर तक ये चलने वाली है, इस सीरीज में अगले क्रम को बढ़ाते हुए कि आपको आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर यह सूर्य ग्रहण कैसा प्रभाव डालेगा, कहीं ऐसा ना हो नौकरी में कोई दिक्कत आ जाए या फिर सरकार से आपको कोई नुकसान हो जाए। अब यह जानकारी आपको हम देते हैं। कुंडली में नौकरी का जो कारक ग्रह है वह शनि है। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे फिर वो सरकारी नौकरी हो, शनि को कुंडली में जरूर देखा जाता है। लेकिन बृहस्पति देव, जिसे जुपिटर बोलते हैं, वो आपकी नौकरी के अंदर सामंजस्य स्थापित करवाते हैं, यानी आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, वो इस्तेमाल करने में आपकी मदद करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, तो कुंडली में सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों को देखना बहुत जरूरी है। यदि कुंडली में ये तीनों ग्रह पीड़ित हो गए तो मान के चलिए बहुत दिक्कत हो सकती है। इसी सूर्य ग्रहण पर सूर्य ग्रसित हो रहा है, शनि भी वहां पर पीड़ित है क्योंकि मंगल के साथ है, तो आपको घबराना नहीं है। और ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनती है तो नौकरी में परेशानी आना निश्चित है और इसी के साथ ही बदलाव की संभावनाएं बन जाती है। तो क्या करना है उपाय, इस सूर्य ग्रहण की सीरीज में हम आपको बता रहे हैं, इसको आप फटाफट नोट करें। प्रतिदिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, घर से निकलते समय एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रखकर आप किसी गाय को दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप आपको जरूर करना है। सरकार से संबंधित या प्राइवेट किसी भी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, इस मंत्र से आपको बहुत लाभ होगा। आप स्वयं करके देखिएगा और हमें बताइएगा। अब बताते हैं आपको मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशि। सेहत का ध्यान रखें, अपने गुरु का सम्मान करें, पीले फल का दान जरूरतमंद व्यक्ति को कर दीजिएगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। व्यापार में आपको फायदा होगा, बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, गुलाबी वस्त्र का दान आपके लिए उत्तम है, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। परीक्षा में आपको सफलता मिलने का योग बन चुका है, अपने पिता की सलाह जरूर लें।
स्टील के बर्तन का दान आपको जरूर करना है, शुभ रंग होगा आपके लिए गाजरी। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण पर हमारी ये विशेष जो सीरीज शुरू हुई है, इससे आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपनी किसी भी समस्या का समाधान इस सीरीज के दौरान आपको मिल जाएगा, चाहे वो व्यापार की हो या नौकरी को, या फिर आपका पैसा कहीं फंस गया है। तो इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपको आपके फंसे हुए पैसे निकालने का एक रामबाण उपाय दिया जाएगा जो आप मुझसे ले सकते हैं। कुंडली में व्यापार के लिए सातवां भाव, सप्तमेश और सूर्य, शनि, मंगल और बुध की स्थिति को देखा जाता है। तो ये अगर चारों ग्रह पीड़ित हो गए तो मान के चलिएगा या तो आपका व्यापार चलेगा नहीं, या फिर कुछ दिन चलने के बाद दिन प्रतिदिन वो कम होता जाएगा, हर तरीके से आप नुकसान में आ जाएंगे। अगर आप किसी सरकारी संस्थान से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो ग्रहण काल के दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, यानी सूर्य जब ग्रसित होंगे, सूर्य को जब राहु ग्रसित करेगा, यह होगा 30 अप्रैल 2022 मध्य रात्रि के समय। तो आपको इस विशेष जो हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है, इससे जुड़कर रहना है और अपने जितने भी कार्य जो पेंडिंग हैं या फिर जिन कार्यों में दिक्कत आ रही है, उनका उपाय ज्योतिष गुरु से लेना है। तो व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इस सूर्य महाग्रहण पर आपको इस महाकवरेज के दौरान एक उपाय भी देते हैं। क्या है वो उपाय? अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे के गोल सूर्य को आप स्थापित कर लीजिए। पहले आप उसे गंगा जल का छींटा दीजिएगा। अपने घर की पूर्व दिशा में लाल चंदन का तिलक लगाकर घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके आप इसे घर की पूर्व दिशा में स्थापित कर लीजिएगा। एक सावधानी, घर की पूर्व दिशा में काला या नीला रंग करने से आपको बचना है, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक बात, घर में सूर्य के रोशनी आने की व्यवस्था आपको करनी है। ऐसा ना हो आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ कोई बहुत ऊंची दीवार हो और आपके घर में सूर्य का प्रकाश ना आए, यह भी कई बार वास्तु दोष के साथ साथ सूर्य को पीड़ित कर देता है। अब आपको बताते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, मन की परेशानी खत्म होगी। सफेद कपड़े का दान आपको जरूर करना है, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। नौकरी का तनाव खत्म होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करें। पीले चंदन का दान आपको जरूर करना है और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी साबित होने जा रहा है। नौकरी में तरक्की जरूर होगी, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। सात अनाज का दान आज के दिन करना बहुत लाभकारी रहेगा और मेहरून कलर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो हम इस मेगा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी नौकरी अगर प्राइवेट है या फिर आप व्यापार करते हैं तो इस ग्रहण पर कैसे दुष्प्रभाव इन दोनों चीजों पर पड़ने वाला है। आपकी नौकरी प्राइवेट है, आपका व्यापार भी प्राइवेट है, सरकार से संबंधित आप कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो इस प्राइवेट नौकरी और प्राइवेट व्यापार पर कैसा फर्क होगा, यह भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण में आपको पता है कि सूर्य ग्रसित हो जाता है, सब लोग डरते हैं ग्रहण के नाम से, लेकिन आपको नहीं डरना, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है। तो जब सूर्य को राहु ग्रसित करेगा तो आपको भी इसमें नुकसान हो सकता है। नौकरी का कारक शनि को माना जाता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अच्छी नौकरी के लिए कुंडली में शनि का बलवान होना बेहद जरूरी है और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा यह प्रवेश, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन शनि ग्रह का यह राशि परिवर्तन प्राइवेट नौकरी वालों को लाभ जरूर देगा, क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और प्राइवेट नौकरी के लिए भी शनि को देखा जाता है, दशम भाव को देखा जाता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण आपकी नौकरी में बाधा जरूर डालेगा। तो क्या है बचने का महा उपाय, इस सीरीज में आप मुझसे लीजिए और पूरे सप्ताह ज्योतिष गुरु के साथ जुड़े रहिए। क्या है वो उपाय, आप लीजिए। जरूरतमंद लोगों को गेहूं और गुड़ का आपको दान करना है। इस चीज को आप नोट करें, वट वृक्ष की जड़ में
कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री मिलाकर आप उस जड़ में अर्पित कर दीजिए और वहां की मिट्टी का तिलक आप अपने माथे पर और कंठ पर जरूर करें। मात्र इतना सा करके देखिए, इस सूर्य ग्रहण का जो भारत में दृश्य नहीं है, आपकी कुंडली पर जब सूर्य के ऊपर राहु का दुष्प्रभाव पड़ेगा तो आप नुकसान से बच जाएंगे। हमारा प्रयास सिर्फ आपको बचाने का है, आपको जानकारी देने भर का है, डराने का प्रयास हमारा कतई नहीं है। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। व्यापार में बदलाव का योग है, रिश्तों में मधुरता आएगी, खिलौनों का दान आप जरूर करें, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे होगा, कारोबारी यात्रा का योग बन चुका है, अन्न का दान आपको जरूर करना है, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। मित्रों के साथ कहीं यात्रा करने का योग दिखाई दे रहा है, पिता की ओर से आपको खुशी मिलने वाली है, पीली मिठाई का दान आपको जरूर करना है और शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। हमारी इस मेगा सीरीज के अंदर जो सूर्य ग्रहण पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, महा ये सूर्य ग्रहण जो होने वाला है इसके अंदर आपको कहीं नुकसान ना हो जाए या फिर बहुत पहले आप किसी व्यक्ति को पैसा दे चुके हैं और वो व्यक्ति पैसा देने के बजाय आपका फोन भी नहीं उठा रहा, आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण पर आपको एक ऐसा सटीक उपाय करना है जिसको करने के बाद आपका रुका हुआ धन वह व्यक्ति इज्जत से हाथ जोड़कर आपको वापस देकर जाए। अब कैसे करना है ये उपाय आप ये समझिए। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल आप भर लीजिए अपनी उम्र की संख्या के बराबर। आपकी उम्र 25 साल है तो 25, आपकी उम्र 40 साल है तो 40, उतनी ही संख्या में लाल मिर्च के सूखे हुए बीज आपको जल के अंदर डालने हैं। अब ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, अपने रुके हुए धन की प्रार्थना करते हुए कि वो प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना आप सूर्य नारायण जी से करेंगे और यह जल भगवान सूर्य को अर्पित कर देंगे। ऐसा लगातार 11 रविवार आप जरूर करें और कार्य जब आपका सिद्ध हो जाए, आपका रुका हुआ धन वह व्यक्ति जब दे दे तो आप जरूरतमंद लोगों को गुड़ का या गुड़ से बनी हुई वस्तु का दान जरूर करें। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपनी वाणी पर आप संयम रखें, धन का फायदा होगा, साबुत मूंग का दान आपको जरूर करना है, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी, बाहर के खानपान से आप बचें, श्रृंगार सामग्री का आप दान करिएगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। लंबी यात्रा करने का आपको अवसर मिलेगा, किसी से बिल्कुल उलझिएगा नहीं, मिट्टी का बर्तन आपको दान करना है, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। तो हम आपको सफलता का एक ऐसा अचूक महा उपाय दें, उससे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह राशि परिवर्तन आप पर, आपके परिवार पर, नौकरी पर या फिर जो भी आप व्यवसाय करते हैं उस पर किस तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं, ये तमाम आपको जानकारी दूंगा इसी महा कवरेज के दौरान। और एक बात बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण जो है 30 अप्रैल 2022 को मध्य रात्रि शुरू होगा 12:16 AM पर, यानी कि तड़के होगा यह सूर्य ग्रहण। तो आपको कैसे बचना है, इस महा सीरीज में आपको बचने का उपाय दिया जाएगा और हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे, नौकरी के, व्यापार के, परिवार के या फिर आपका प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए ये भी आपको बताएंगे और राशि दर राशि भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जी न्यूज की इस खास पेशकश में आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ज्योतिष गुरु हर दिन आपको कुछ नया बताने का प्रयास करना जारी रखे हुए हैं। अब लेते हैं सफलता का महा उपाय। सफलता के इस महा उपाय में आपको क्या करना है, घर के उत्तर पूर्व वाले कोने में यानी कि ईशान कोण में
आपको पीले फूल जरूर रखने हैं। यहाँ भगवान शिव का स्थान भी होता है, तो ऐसे में आप उन्हें जो है पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं और अपने घर के ईशान कोण में पीले फूल जरूर रखें। अब बात करेंगे हमारी माताओं बहनों की सेहत की और उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, हमारी माताएं बहनें घर में बहुत काम करती हैं, तो अक्सर क्या ज्यादातर हमने देखा है वो थक जाती हैं, या तो उनके कंधे में दर्द हो जाता है या उनकी पीठ में दर्द हो जाता है, तो ये दर्द अब बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्या करना है सेहत के लिए, ये महा उपाय आप जरूर अपनाएं। सरसों के तेल में 3 या 4 की संख्या में लहसुन की कली डालकर आप उस सरसों के तेल को तेज गर्म करिएगा और ठंडा होने पर इसी तेल के द्वारा अपनी कमर या कंधे पर आप मालिश जरूर करें। मात्र 1 या 2 बार करके देखिए, हर तरीके से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं उनके सम्मान की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। देखिए, पान के पत्ते पर थोड़ा सा कुमकुम रखकर आप देवी पार्वती को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में इसका तिलक भी कर सकते हैं। तो कितना आसान है ये उपाय, जो देवी महा पार्वती की कृपा से आपको बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिलने वाला है और आप सम्मानित होने वाली हैं। अब बात करते हैं किचन के महा उपाय की। बहुत खास है ये सामग्री, आप हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हां, आज बात करेंगे नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में आप रखिएगा, उसमें 2-3 लौंग डालकर रखिएगा। यदि आपने ऐसा कर लिया अपने घर में, तो आप धन के अपव्यय से, धन के नुकसान से बचे रहेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारी इस सीरीज में हर दिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव आप पर होने वाला है, या फिर यह दृश्य भारत में ना होने के कारण भी सूर्य आपकी कुंडली में कैसे ग्रसित होगा और आपकी सेहत पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, यह भी आपको बताते रहते हैं हम। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको छोटे छोटे और सरल उपाय करने हैं। तो ज्योतिष गुरु इस सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल इसी समय आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए Zee News। नमस्कार।